Hello friends, welcome to Edu Nirman. We are here with 23rd of January analysis. So, the pehla article ka context hai ki cabinet approves the extension of the term of commission constituted under the article 340 of constitution to examine the subcategorization within the OBC in central list. ठीक है, OBC की जो category है उसके अंदर subcategorization के एक issue को कंसीडर करने के लिए एक कमेटी को गठित किया गया है जो कि चेयर्ड की जिसको चेयर करेंगे जस्टिस जी रोहिणी. ठीक है, ये क्यों क्यों किया गया है, क्या नीड थी सब कैटेगराइजेशन की, क्योंकि जो 27% रिजर्वेशन मिला था ओबीसी कैटेगरी को वो सबको ही बराबर मिला था. ठीक है, और क्या होने लगा टाइम के चलते, जो क्रीमी लेयर है वो उसको ज़्यादा बेनिफिट हुआ जो कि नॉन क्रीमी लेयर के जितना ही बेनिफिट है. तो जो पुअरर पर्सन्स हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो बेनिफिट टू ट्रांसफ़र टू द पुअरर सेक्शन, तो इस सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है. ठीक है, क्यों कौन सा आर्टिकल हमें बताता है, आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, इसका एक मतलब परव्यू ये भी है कि अनइक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड इक्वली. तो जो यहाँ पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है उसको इक्वली ट्रीट किया गया है, तो उनको ये दीज आर अनइक्वल सो दे कैनॉट बी ट्रीटेड इक्वली. तो इसी के अंडर ये कमेटी गठित की गई है जो कि सब कैटेगराइजेशन को परव्यू करेगी, एक सोशल जस्टिस को इंश्योर करेगी और इंक्लूजन हर सेक्टर को मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, इधर दे आर पुअरर इन ओबीसी और समथिंग एल्स, हर किसी का इंक्लूजन को इंश्योर करेगी. तो इसका क्या होएगा, इन इफेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट इज़ नाउ सीकिंग टू इंश्योर अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट्स बाय फर्दर डिफरेंशिएटिंग द कास्ट ग्रुप्स. ठीक है, जो फिर ओबीसी के अंदर ही ये कैटेगराइजेशन फर्दर कैटेगराइजेशन कर देंगे ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सबको मिले. जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है 2019 का, कौन इसको रिलीज़ करता है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको रिलीज़ करती है और ये 165 इंडिपेंडेंट स्टेट्स और टू टेरिटरीज़ को कवर करती है जो कि मतलब एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर कर लेती है. किन कैटेगरीज़ के द इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन 5 कैटेगरीज़, 5 कैटेगरीज़ में इंडेक्स बेस्ड है. ये है इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, सिविल लिबर्टीज़, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर. इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कैटेगराइजेशन होता है और 4 टाइप्स के रिजीम के अंदर और कुछ 60 इंडिकेटर्स के बेसिस पे वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और 4 टाइप के रिजीम आते हैं, फुल डेमोक्रेसी जो कंट्रीज जिसमें पूरी तरीके से डेमोक्रेसी है, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम, अथॉरिटेरियन रिजीम, इन के अंदर प्लेस है. तो क्या इस आर्टिकल का कहना चाहता है कि जो इंडिया की पोजिशन है वो स्लिप हो गई है 10 प्लेसेस से और अब हम 51st पोजीशन पे स्टेप इन करते हैं एंड इट इज़ प्लेस्ड इन अ फ्लॉड डेमोक्रेसी कैटेगरी. और इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है जिसमें कि बांग्लादेश भी है. जो हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स है वो फॉल किया है. इसका मेजर कारण क्या रहे हैं, मेजर कारण आप सबको पता ही रहे होंगे कि सिविल लिबर्टीज़ इरोड हो चुकी हैं. ठीक है, जो लिबर्टीज़ होनी चाहिए पॉपुलेशन को वो मिल नहीं रही हैं और जो इंडिया में आजकल चल रहा है ये CAA वाला NRC और ये जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस को हटा दिया गया है, ये सभी कारण हैं कि जो हमें इस इंडेक्स के अंदर नीचे गिरने का कारण रहे हैं. ठीक है, तो रैंकिंग वाइज हम एक ये देख लेते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. नॉर्वे इज़ काउंटेड एज अ फुल डेमोक्रेसी, नॉर्वे को फुल डेमोक्रेसी काउंट किया गया है और ये टॉप रैंक्ड है 9.87 के स्कोर के साथ. सो अदर फुल डेमोक्रेसी इंक्लूड जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट विद अ स्कोर ऑफ 7.96 इज़ अंडर अ फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंडर यूएस को रखा गया है. एवरेज ग्लोबल स्कोर फेल फ्रॉम
ठीक है, मतलब ऑल अराउंड भी देखें जो ग्लोबल स्कोर है वो कम हुआ है 2006 के छः तक, ठीक है। चाइना और नॉर्थ कोरिया, वी ऑल नो दे आर अथॉरिटेरियन रिजीम्स। पाकिस्तान को हाइब्रिड डेमोक्रेसी के अंदर रखा गया है। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ सी फेयरर्स। अब आप बताएंगे कि सी फेयरर्स क्या होते हैं, चलो हम बता देते हैं। सी फेयरर्स होते हैं जो कि शिपिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको इधर से उधर, इस कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना जाते हैं वो शिप्स में। तो ये क्या है, इनको एक सर्टिफिकेट्स मिले होते हैं जिस कंट्री के वो होते हैं, जिस कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दूसरी कंट्री के साथ भी, दूसरी कंट्री में जाते हैं वहाँ कुछ ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते होते हैं, सी फेयरर्स जिनका काम होता है वो करते होते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिले होते हैं। तो अभी कैबिनेट ने क्या किया है, एक मॉडल MOU को अप्रूव किया है विद द फॉरेन कंट्रीज़ फॉर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल रिकग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ सी फेयरर्स, ठीक है, कि दोनों ही कंट्री जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको रिकग्नाइज करेंगी, ठीक है। तो इससे बेनिफिट्स क्या होंगे, बेनिफिट्स ये होंगे कि सी फेयरर्स को जॉब ज़्यादा मिलेगी, दे विल फील सिक्योर्ड, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करेंगी। अब ये है क्या, STCW, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग फॉर सी फेयरर्स, 1978 में इसको ये आया था, ठीक है। और कौन सी कॉन्फ्रेंस के अंदर आया था ये, इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके अंदर इस सिस्टम को लेके आया गया था, ठीक है। कन्वेंशन प्रिस्क्राइब करती है मिनिमम स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग ऑफ सी फेयरर्स, कि मतलब उनको कैसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनका सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, इन सब को सी थ्रू करती है। तो कन्वेंशन का ये है कि दिस कन्वेंशन इज़ अप्लाइज टू द शिप्स ऑफ नॉन पार्टी, मतलब अगर जो नॉन पार्टी नेशन है उसकी शिप अगर किसी पार्टी नेशन को भी विजिट कर रही है तो वो शिप भी इसके इस कन्वेंशन के नॉर्म्स के अंडर काउंट होगी, ठीक है। ये बात हो गई सी फेयरर्स वाली। अब हम आते हैं EAO, ई स्टेशन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ई स्टेशन ऑब्जर्वेटरी ये नॉन प्रॉफिट हवाइयन कॉरपोरेशन है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेटरीज वो होते हैं जहाँ पे टेलीस्कोप्स और सर्टेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है, कि जो कि जो नेचुरल फिनोमिनन्स होते हैं, मतलब जो भी मतलब क्लाइमेटिक नेचुरल फिनोमिनन्स वो भी, और जो स्पेस रिलेटेड फिनोमिनन्स होते हैं उनको वॉच करती है और उनको मतलब पूरा ऑब्जर्व करती है, तो वो ऑब्जर्वेटरी होता है। अब हम ई स्टेशन ऑब्जर्वेटरी का क्या है, परस्यूइंग द जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के अंदर जॉइंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करना इसका काम रहेगा, और टू बिल्ड एंड ऑपरेट फैसिलिटीज़ विच एनहेंस द लीवरेज एग्जिस्टिंग एंड प्लान्ड रीजनल फैसिलिटीज़ एंड रेज द फंडिंग टू बिल्ड ऑब्जर्वेटरी स्टाफ सेपरेट फ्रॉम दैट ये EIA इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये अपने जो टेलीस्कोप्स हैं वो कई कई जगह पे रखेंगी, ताकि मतलब उन जगहों पे जो कि स्पेसिफिक होगी वहाँ से जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन्स हैं उनको अच्छे तरीके से वॉच किया जा सके, वहाँ वहाँ ये अपने टेलीस्कोप एस्टैब्लिश करेंगी। इट जो फुल मेंबर्स हैं वो इसके हैं, इट कंसिस्ट ऑफ चाइना, जापान, ताइवान, कोरिया एज अ फुल मेंबर्स, और ऑब्जर्वर नेशंस हैं इसके थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया आर द ऑब्जर्वर्स। इम्प्लीकेशन क्या होंगे इंडिया के इस पे, हैविंग इंडिया ज्वाइन द ग्रुप कैन कुड मीन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू काइंड ऑफ टेलीस्कोप, वन प्रपोज बीइंग इन तिब्बत, ठीक है। अगर इंडिया इस चीज़ का पार्ट होता है तो इंडिया के अंदर भी नए नए तरीके के टेलीस्कोप्स ये एस्टैब्लिश करेगा, जो कि ब्लैक होल्स को या फिर जो कॉस्मिक फिनोमिनन्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। अब आ गया है HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन भी है, देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोजन होंगे, क्लोरीन फ्लोरीन मतलब हैलोजन ग्रुप्स होंगे और कार्बन्स होंगे। ये क्या है, ये दीज आर पोटेंट एनवायरमेंट डैमेजिंग फैक्टर्स, मतलब ये
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कैटेगरी में तो नहीं आते, पर दे आर नेक्स्ट टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि मतलब ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड्स है। सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड्स होंगे सीएफसीज। तो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, इसके इम्पोर्ट को बैन किया गया है। इसमें मेजरली लिया गया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B, ठीक है। ये एक केमिकल है जो फोम मैन्युफैक्चरर्स से यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल आफ्टर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ओजोन डिप्लीटिंग कंपाउंड है, तो इसको इसके इम्पोर्ट पे के ऊपर बैन लगाने की बात की गई है। तो हमें क्या हम क्या देखते हैं कि देखो, हमें जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। कौन सा एक्ट है जो हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो रूल्स हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस रेगुलेशन कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स हैं जो 2019, उनके तहत हम इसके इसका इम्पोर्ट लाइसेंस जो है उसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा। जो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये होगा कि अगर हम कंज्यूम कम करने, इसकी कंजप्शन कम होएगी, तो ऑब्वियसली ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले जो सब्सटेंस हैं इंडस्ट्री में कम आएंगे, और मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, और दूसरा ओजोन डिप्लीशन भी कम होएगी। अगर हम इसके इम्पोर्ट को बैन करेंगे तो जो लोग हैं वो अनदर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ जाएंगे, जिनकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कम होएगी, या फिर वो नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की तरफ अपना झुकाव करेंगे, वरना तो वो इन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा यूज़ करते रहेंगे एंड दे वोंट स्विच टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, वो किसके क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी उन्हीं सब चीज़ों से डील करता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को फेज आउट करने के लिए ये प्रोटोकॉल आया था। उसके बाद जो HFCs क्या होते हैं, दे आर गैसेस और लिक्विड्स एंड दे इवेपोरेट इजीली। ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, HCFCs, ये डिजॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जैसे कि ईथर वगैरह। जो ये किसके कंपोज करते हैं, दे आर सिमिलर एज हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन, मतलब इसमें हैलोजन्स होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन तो होते हैं। दे आर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इनकी गिनती होती है। एनवायरनमेंट को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन बढ़ा रहे हैं, जो ओजोन डिप्लीशन को बढ़ा रहे हैं, तो ये मतलब कई तरीक़ों से ये हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। नाउ वी कम टू द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। पेरिस कन्वेंशन का ये है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इज आइंग एन इंटरनेशनल ट्रेडमार्क फॉर खादी अंडर पेरिस कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, जो KVIC है। अब KVIC के बारे में आप बताएंगे, ये MSME के अंडर आता है, और इसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, मेजर जो चीज़ हैं, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो KVIC क्या है, खादी मार्ग ग्रांट करती है, ठीक है, जो खादी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक मल्टीलेटरल मतलब पेरिस कन्वेंशन ऑन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के साथ ये एक बॉन्डेज साइन करना चाहेगी, मतलब ट्रीटी साइन करना चाहेगी। अब क्या होएगा, तो जो खादीज़ हैं ना उनको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिलेगी, ठीक है। ये जो पेरिस कन्वेंशन है ये इंटरनेशनली ये कंसिडर्ड होता है, इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रीटी डीलिंग विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इन अ वाइडेस्ट सेंस, ठीक है। तो जो हमारे खादी का है उसको स्कोप और वाइडेंड हो जाएगा। अब इसको पेरिस कन्वेंशन को कौन एडमिनिस्टर करता है, इट्स एडमिनिस्टर्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्टर करता है, और इस कन्वेंशन के 177 कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर कंट्रीज हैं। ये PIB से लिया गया है। व्हाट्स अ ब्लू कॉर्नर नोटिस, अभी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं, इंटरपोल जारी करती है, ठीक है। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है, जो सेल स्टाइल गोडमैन नित्यानंदा थे, जिनके ऊपर रेप एलिगेशंस लगे हुए थे, वो
फरार हो गए हैं, देश छोड़ के भागे, उनको ढूंढने के लिए या उनके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गुजरात पुलिस ने इंटरपोल से सहायता मांगी, जिसके कारण इंटरपोल ने एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है। मतलब ब्लू कॉर्नर नोटिस में वो जो ये पर्सन है एंटिटी जो भी ये नित्यानंदा, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन जहाँ भी है उसको दूसरी कंट्री से मंगाएगा, ठीक है। क्योंकि हम दूसरी कंट्री में जाके अपना जो भी काम है इन्वेस्टिगेशन वर्क हम डायरेक्टली इतने स्मूथली नहीं कर सकते, तो हमें इंटरपोल की ज़रूरत पड़ती है। इंटरपोल 7 टाइप्स ऑफ नोटिसेस जारी करता है, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल नोटिस। तो ब्लू नोटिस कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पर्सन आइडेंटिटी है उसके लिए, लोकेशन, एक्टिविटीज़, क्या काम, कहाँ रह रहा है, उसके लिए उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए ये नोटिस जारी होता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरपोल ये ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स लायन फ्रांस में हैं, ठीक है। ये ग्लोबल पुलिसिंग को ध्यान रखती है, ग्लोबल पुलिसिंग एजेंसी लगा लीजिए इसको, ठीक है। इट्स इंटरपोल जनरल असेंबली क्या होती है, मतलब जो भी इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स हैं या मेंबर कंट्रीज़ हैं उस सब के मेंबर्स बैठ के और एक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी इस्टेब्लिश मतलब बनाते हैं, जिसको हम इंटरपोल जनरल असेंबली बोलते हैं। व्योम मित्रा क्या है, व्योम मित्रा फर्स्ट इसरोज फर्स्ट वीमेन एस्ट्रोनॉट है। ये हम गगनयान मिशन के लिए इसको एम्प्लॉय किया गया है। ये व्योम मित्रा के पास सिर्फ हेड और एब्डोमन रीजन है और टोर्सो है, इसके पास लेग्स नहीं है। ये फंक्शनिंग क्या करता है कि मतलब ये जो एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, बताएगा कि ऐसा एनवायरनमेंट है, क्रू को मॉनिटर करेगा, रिसीव वॉइस कमेंट्स, और ये बाइलिंगुअली बात भी करेगा, ठीक है। इसके पास एनवायरनमेंट सेंसर्स हैं और जनरेटिंग वार्निंग्स जनरेट करेगा अगर कोई चीज़ गलत जा रही है, तो व्योम मित्रा उस चीज़ में काम करेगा। व्योम मित्रा को हम मतलब ये गगनयान मिशन वो कर स्टार्ट होने से पहले कुछ फ्लाइट्स जाएंगी, ठीक है, स्पेस में, तो उसके उसमें भी इसको भेजा जाएगा। इट विल बी यूज्ड एज एन अनमैन्ड फ्लाइट फॉर इसरोज GSLV-3 रॉकेट इन December 2020। जो फ्लाइट्स मतलब जो स्पेस मिशन जाएंगे गगनयान से पहले, मतलब टेस्ट मिशन, तो उसमें भी इसको एम्प्लॉय करके भेजा जाएगा। रिसाइटिंग प्रियम्बल इज़ कंपल्सरी इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि ये कंपल्सरी है कि प्रियम्बल को रिसाइट करा जाए इस हर स्कूल में, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम January 26। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंस्टॉल द वैल्यू सच एज जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके बहुत क्लियर है, प्रमोट करना है आइडियाज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।